हेलो एवरीवन, कैसे है सर? माशा अल्लाह यार, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है जिस तरह का रिस्पांस मेरे चैनल को मिल रहा है। एंड ऑल ओवर इंडिया से कॉल्स आ रहे हैं, चाहे वेस्ट बंगाल हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, गाजियाबाद हो, उत्तराखंड हो, हर जगह से कॉल्स आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ हो, एंड म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए या सैम्पल्स पैक के लिए हिमाचल से जैसे कॉल्स आए मुझे सैम्पल पैक के लिए, उत्तराखंडी सैम्पल्स पैक चाहिए उन्हें। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मतलब एक मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जो लोगों को पसंद आ रहा है, एंड आप लोग मुझे एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। सो जो मेरा म्यूज़िक प्रोडक्शन का कोर्स है उसका मैं ओवरव्यू आपको देने वाला हूँ, किस टाइप का कोर्स है, क्या इसका प्राइस है, एंड कुछ वीडियोस मैंने डाली हैं, 4-5 वीडियोस अभी अपलोड की हैं, तो उनको देख के कई सारे लोगों ने कॉन्टैक्ट कर लिया है। तो मैं चाहता हूँ रेगुलर वीडियोस बनाता रहूँ ताकि और नए लोग इसको फाइंड कर पाएँ। सो जो म्यूज़िक कोर्स है आपका 2 मंथ्स का होने वाला है, उसमें आपका म्यूज़िक कंपोजिशंस, साउंड डिज़ाइन, सॉन्ग स्ट्रक्चर, सॉन्ग राइटिंग, मिक्सिंग मास्टरिंग, जो भी सारी चीज़ें होती हैं कंप्लीट, वो उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। चाहे आपका सिंथेसाइजर यूज़ करना हो, VST प्लगइन्स यूज़ करना हो, इफेक्ट्स यूज़ करना हो, हर एक इफेक्ट क्या करता है, हर एक सिंथेसाइजर क्या करता है, अगर आप एक हिप हॉप म्यूज़िक प्रोड्यूसर तो आपको कौन से सिंथेसाइजर्स आप यूज़ कर सकते हैं, एंड अगर आप एक पहाड़ी म्यूजिशियन है तो आप कौन से साउंड्स यूज़ करना चाहेंगे, एंड कुछ साउंड्स मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको, बेसिक साउंड जो आप यूज़ कर सकते हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी आपको इसमें म्यूज़िक थ्योरी के PDF मिलते हैं, एंड आपको फिर इसमें कुछ म्यूज़िक की वीडियोस मिलती हैं, जो हमारा ट्यूटोरियल्स होता है, जो प्राइवेट वीडियोस होती है, सिर्फ आप देख सकते हैं। एंड फिर इसके हमारा वीकली 2 डेज हमारा एक गूगल मीट पर क्लास होती है, जिसमें आपकी अगर कुछ भी क्वेरीज है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस टाइप हमारा कोर्स चलता है। बाकी थोड़ा डिटेल में और बता दूँ, जैसे म्यूज़िक कंपोजिशन में पूरा पढ़ने वाले हैं, स्केल्स क्या होते हैं, कॉर्ड्स क्या होते हैं, कौन कौन से जोनराज होते हैं, हर का बीट प्रोग्रेशन कैसा होता है, कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसा होता है, कौन कौन से VST प्लगइन्स यूज़ होते हैं। फिर हम सॉन्ग स्ट्रक्चर पर देखते हैं, सॉन्ग स्ट्रक्चर में हम इंट्रोज क्या होते हैं, वर्सेस क्या होते हैं, ब्रिज क्या होते हैं, हुक क्या होता है, ये हम देखते हैं, मेलोडीज़ कहाँ पे आती है, कहाँ पे हमारा जो परक्यूशन से वो रुकेंगे, कहाँ पे इसमें रोल्स होंगे, हम कंप्लीट हम देखना, चाहे वो ट्रैप म्यूज़िक हो, पहाड़ी म्यूज़िक हो, हिमाचली हो, जौनसारी हो, हिंदी हो, बॉलीवुड हो, कोई सा भी आप सीख सकते हैं, पंजाबी, हरियाणवी, अभी मैं हर टाइप का कोर्स करा रहा हूँ, क्योंकि जो बेसिक है वो एक चीज़ है, बाकी जब आप उसमें क्रिएटिविटी डालेंगे, अपने जो आपका जोनरा है, जो आपका स्टेट है, जो आपका कल्चर है, तो वो आपकी क्रिएटिविटी होगी। बाकी मैं आपको पूरा क्लियर कराऊंगा क्या क्या साउंड्स वहाँ की होती है, चाहे गुजराती राजस्थानी क्यों ना हो, वो भी मुझसे कोर्स कर रहे हैं, तो इस टाइप में चलता है। बाकी हम इसमें साउंड डिज़ाइन भी देखते हैं, यानी कि एक साउंड जो आपको चाहिए वो आप एक सिंथेसाइजर से कैसे बनाएं, अगर आपको एक पहाड़ी मेलोडी चाहिए तो वो कैसा फील है, अगर आप EDM बना रहे हैं तो EDM के लिए जो आपको ड्रॉप्स वगैरह चाहिए वो आप कैसे प्रोड्यूस करेंगे, जो वोकल चॉप्स वगैरह चाहिए वो आपको कैसे प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि नॉलेज मिलेगी कि कौन सी वेबसाइट उन्हें प्रोवाइड कराती है, कितना उनका बजट होता है, कितने रुपए में वो मिलते हैं, तो ये भी हम पूरा करने वाले हैं। बाकी मिक्सिंग मास्टरिंग वगैरह भी हम करने वाले हैं, एंड देन वोकल प्रोडक्शन हम सीखेंगे इसमें, वोकल प्रोडक्शन में रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, जो रिकॉर्डिंग में कभी कभी नॉइस आती है उसको कैसे हटाया जाए, एंड क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है एक रिकॉर्डिंग सेटअप के लिए, एंड वोकल को अच्छे से कैसे बनाया जाए, उसकी मिक्सिंग कैसे की जाए, ऑटो ट्यूनर कब लगाया जाए, रिवर्ब डिले वगैरह बेसिक इफेक्ट्स कैसे लगाया जाए, उन्हें मिक्स कैसे किया जाए, एंड बाकी फिर हमारा सॉन्ग स्ट्रक्चर भी आता है, हम देखते हैं किस तरह का सॉन्ग है, इंट्रो कब आएगा, ब्रिज कब आएगा, किस सॉन्ग में कैसे चलता है, जैसे हम एक रैप सॉन्ग बना रहे तो उसमें हमारा हुक एंड रैप चलेगा, अगर हम एक बॉलीवुड बना रहे तो हमारा इंट्रोज आते हैं, ब्रिजेज आते हैं, वर्स आते हैं, आउट्रोज आते हैं, म्यूज़िक के मेलोडीज आते हैं, तो ये भी हम देखने वाले हैं। बाकी कंप्लीट हम एक सॉन्ग बनाना सीखने वाले, जीरो से लेके पूरा एंड तक किस टाइप में होता है वो हम सीखने वाले हैं, एंड 15 क्लासेस में हमारा कंप्लीट हो जाता है। बाकी हम थोड़ा जो अदर म्यूजिक से अराउंड द वर्ल्ड उसके बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो लेटिन म्यूज़िक हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो हमारा फोक हो इंडिया का, चाहे वो हमारा चाइनीज़ म्यूज़िक हो, जैसे भी जिस टाइप के म्यूज़िक हम देखेंगे वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, क्या क्या उनका एक स्टाइल होता है म्यूज़िक का, कैसे कैसे म्यूज़िक प्रोड्यूसर क्रिएट करते हैं, फिर हम कुछ म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स को भी स्टडी करेंगे, जैसे अगर AR रहमान साहब कैसा म्यूज़िक बनाते हैं, उनके उनमें क्या क्या साउंड्स रहती है, उनका कैसा स्टाइल रहता है, प्रीतम सर का कैसा स्टाइल रहता है, एंड काफ़ी सारे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे हम पहाड़ी म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स की बात कर लेंगे, गुंजन डंगवाल सर कैसा कैसा स्टाइल है उनका, या जो भी और काफ़ी सारे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं पंजाब में, अगर हम देख लेंगे तो जो भी हमारे मेनली देसी क्रू वगैरह है, और हमारा प्रीत हुंडल, सुखे, इनका कैसा म्यूज़िक रहता है, क्या क्या साउंड्स यूज़ करते हैं, ये भी हम पढ़ने वाले, तो कंप्लीट आपको नॉलेज मिलने वाली म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड। सो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, एंड काफ़ी वैसे ट्यूटोरियल्स मैं डाल रहा हूँ, अगर आप एज अ डेमो भी देखना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको डेमो सेंड करूँगा, देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप करना चाहते हैं या नहीं, है ना। तो बाकी थैंक यू सो मच, एंड अगर आप कोर्स करना चाहते हो कॉन्टैक्ट कीजिए, बाकी ऐसे जुड़े रहिए।